एपिसोड के स्टार्ट में जीरो हांडों के साथ जा रहा होता है, तभी जान उड़ते हुए आता है और पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है। और सामने ये रोबोट्स और जियाओ होते हैं। जियाओ हांडोंग से बोलता है, अपने लवर के साथ भाग रही हो, बेशरम औरत, लोग हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। जीरो कहता है, तो तुम्हारे क्लैन की इज्जत एक लड़की के सेक्रीफाइस पर डिपेंड है। जियाओ हंसने लगता है और बोलता है, क्यों ना लड़ाई करके डिसाइड कर लिया जाए। जीरो कहता है, अगर मैं जीता तो तुम हमें जाने दोगे और हांडोंग के पीछे नहीं आओगे कभी। जियाओ कहता है, और अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी फायर स्पिरिट स्वॉर्ड चाहिए। जीरो कहता है, ठीक है। हांडोंग बोलती है, रुक जाओ, जियाओ अपने क्लैन के यंग जनरेशन में सबसे स्ट्रांग है, इसके झांसे में मत आओ। जीरो कहता है, चिंता मत करो, मैं भी कोई कमज़ोर इंसान नहीं। नेक्स्ट सीन में यान इस बंदे से बोल रहा होता है, श्वाये तुम जैसे बंदे को कभी पसंद नहीं करेगी। श्वाये इसके सर पे मारती है तभी और कहती है, बकवास बंद करो, तुम यहाँ आए क्यों। यान कहता है, मिस डोंग को बचाने और शिशान और मसल अलायंस के साथ जो हुआ उसका बदला लेने। अब नेक्स्ट सीन में एरिना दिखाया जाता है, जहाँ पे जीरो और जियाओ आमने सामने होते हैं। श्वाये यहाँ पे आके हांडोंग से बोलती है, क्या तुम ठीक हो। हांडोंग कहती है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जियाओ कहता है, आज ओयांग और डोंग फैमिली एक होने जा रही है, इस खास मौके को थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए मैंने फैसला किया है इस सामने खड़े मिस्टर रेड फेस से लड़ने का। अगर मैं जीता तो इंगेजमेंट सेरेमनी कंटिन्यू होगी और इसके साथ में ये मुझे फायर स्पिरिट स्वॉर्ड भी देगा। ये सुन के ओयांग और डोंग क्लैन के प्रेसिडेंट कहते हैं, वो मिसिंग आर्टिफैक्ट, फायर स्पिरिट स्वॉर्ड, इस खेल में काफ़ी मज़ा आएगा। इसके बाद डोंगयांग और वेनफेंग यहाँ से चले जाते हैं। अब जियाओ नीचे उतरता है और कहता है, इस एरिना के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अटैक को रोकेगी, तो हम अब अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। अब जीरो अपनी वेपन निकाल लेता है। ये देख के जियाओ कहता है, फायर स्पिरिट स्वॉर्ड का यूज़ नहीं कर रहे। जीरो कहता है, नहीं, इससे काम हो जाएगा। वैसे तुम्हारी वेपन कहाँ है। जियाओ कहता है, तुम जैसे के लिए सिर्फ मेरी एक ही उंगली काफ़ी है। और अब मैच शुरू होता है। जियाओ जीरो पे अटैक करता है लेकिन जीरो इसे रोक देता है और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं और फिर एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है। अब जियाओ लगातार जीरो पे अटैक करते जाता है और जीरो इसे अपने वेपन से रोक रहा होता है। अब जियाओ इस पे पीछे से अटैक करने आ रहा होता है लेकिन जीरो इसे देख लेता है और इस पे अपनी वेपन फेंक देता है। जियाओ इसे डॉच कर लेता है लेकिन जीरो इसके पीछे आके इसे लात मार के साइड फेंक देता है। अब जियाओ खड़े होता है और कहता है, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, और इस पे पत्थर फेंकने लगता है। जीरो सभी को रोकते हुए इस पे अटैक कर देता है और इसने जो शील्ड बनाई होती है उसे भी तोड़ देता है। जियाओ इसकी वेपन को साइड कर देता है और इसके पसीने निकल रहे होते हैं। तभी जीरो इसके मुँह पर मुक्का मारता है और ये दूर जाके गिरता है और इसकी शक्ल कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी होती है। जीरो अब अपनी वेपन घुमाने लगता है और आसमान में एक ड्रैगन क्रिएट हो जाता है। ये देख के ओयांग और डोंग प्रेसिडेंट काफ़ी हैरान होते हैं। जीरो अब इस पर अटैक कर देता है। जियाओ इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता और इस पर एक कट लग जाता है और ये दूर जाके गिरता है। फिर जीरो कहता है, ये शीशान के लिए था। जियाओ खड़ा होता है और अब गुस्से में और ज़्यादा पावर रिलीज कर देता है और फिर जीरो पर अटैक कर देता है। ये इतना खतरनाक अटैक होता है कि एरिना के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड भी टूट जाती है। ये देख के हांडोंग घबरा जाती है लेकिन जीरो सामने खड़ा होता है और सभी हैरान हो जाते हैं इसे देख के। जीरो बोलता है, क्या तुम धूल उड़ाना बंद करोगे, अगर मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मेरी बहन मुझ पे चिल्लाएगी। और इसके मुंह पे लात मारता है एक ज़ोरदार और ये सामने जाके टकराता है। जियाओ की हालत ख़राब हो चुकी होती है और अब ये कहता है, चाहे कुछ भी हो, आज हम में से एक मरेगा। और एक स्क्रोल बाहर निकालता है और कहता है, एक्टिवेट। ये देख के ओयांग क्लैन का प्रेसिडेंट कहता है, सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये सब बाहर निकल चुके होते हैं। हांडोंग जीरो को देखने जाती है। डोंग क्लैन का प्रेसिडेंट कहता है, वो स्क्रोल क्या था। ओयांग प्रेसिडेंट कहता है, वो एक ऐसे रैंकर ने बनाया था, उसमें फॉरबिडन स्पेल्स है। डोंग प्रेसिडेंट कहता है, क्या वो पागल है, ऐसी चीज़ को इस जगह यूज़ कर रहा है। अब हांडोंग यहाँ जीरो को ढूंढ रही होती है और इन्हें जान और यान दिखते हैं। जान कहता है, वहाँ देखो, और ऊपर आसमान में जियाओ होता है एक नई फॉर्म के साथ। हांडोंग कहती है, लिन जी कहाँ हो तुम।
जीरो बाहर आके कहता है, मैं यहाँ हूँ। इसे देख के हांडोंग काफ़ी खुश होती है। जीरो अब हंसते हुए कहता है, एक मिनट ज़रा, मैं ये सब निपटाता हूँ फिर चलते हैं। ये सुन के जियाओ गुस्से में आ जाता है और जीरो पे अटैक कर देता है। जीरो भी अपना अटैक कर देता है, जो कि इसके अटैक को चीरते हुए जाके सीधा इसको लगता है और ये सीधे नीचे गिरता है। जीरो इसके पास आके इसकी एक पिक्चर क्लिक करता है और बोलता है, आगे से लड़कियों को परेशान मत करना। और इसकी शक्ल अब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो चुकी होती है। हांडोंग अब जीरो के पास आ रही होती है और काफ़ी खुश होती है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।